दुर्ग जिले में जन जन के नायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए उनके समर्थकों ने मदर टेरेसा आश्रम में सेवा करते हुए फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। राजनीति के क्षेत्र में गुरु माने जाने वाले और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो निरंकारी मंडल से भी जुड़े हुए थे, जिनके विचार बहुत ही सात्विक और दीन दुखियों का दर्द बखूबी समझने वाले, ये शख्स कोई और नहीं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी की, जिनके मरणोपरांत उनकी पहली जयंती परंपरा अनुसार मदर टेरेसा आश्रम में मनाई गई। यहाँ उनके परिवारजनों के अलावा वे आयोजक भी मौजूद थे जो उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। वे हमेशा कहते थे कि मेरा जन्मदिन उस जगह मनाया जाए जहां दीन दुखियों की सेवा हो सके, और उनके जीवंत रहने पर भी उन्होंने अपना जन्मदिन हमेशा मदर टेरेसा आश्रम में ही मनाया। दुखियों के बीच में बैठकर उनका दुख सुनना और उनका धाड़स बनाना, यही उनकी विचारधारा का मूल स्वरूप था। और इस वर्ष उनके मरणोपरांत उनकी पहली जयंती पर भी उनके विचारों पर चलते हुए आयोजक संजीत चक्रवर्ती ने मदर टेरेसा आश्रम शांति नगर में एक आयोजन रखा, जहां उनके तैल चित्र पर सर्वप्रथम तो उपस्थित जन समुदाय ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। तत्पश्चात उनके सुपुत्र संदीप निरंकारी सहित आयोजक संजीत चक्रवर्ती एवं अन्य उपस्थित सभी अतिथियों ने बारी बारी से मदर टेरेसा आश्रम में निवास करने वाले सभी लोगों को फल और मिठाइयों का वितरण किया और उनके साथ कुछ वक्त बिताकर उनका गम भी बांटा। इस आयोजन में शामिल हुए पूर्व साडा उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, शकुंतला ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संजय ओझा जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन गुप्ता एवं अन्य सभी ने बारी बारी से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्गों पर चलते रहने का संकल्प लिया। हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय भजन सिंह निरंकारी जी की आज जो हमारे क्षेत्र के सारे उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, हम लोग आज यहाँ पर मना रहे हैं। हम लोग हर साल मनाते हैं, मृत्यु होने के बाद मना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन हमेशा ऐसी जगह मनाना जहाँ पर दीन दुखियों की सेवा होती है, इसलिए हम सब लोगों ने ये जगह चुना है। जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया था समाज सेवा करने का, उस रास्ते पर हम लोग चल भी रहे हैं, स्वर्ग में वहाँ से देख भी रहे हैं। हमें पूरा विश्वास दिला कि वो हम पर जो विश्वास करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते के लिए समाज सेवा करें। शुरू से ही संजीव चक्रवर्ती जी जो उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के समाज में पार्टी में काम करते रहे, और शुरू से ही मेरे पिताजी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, और आज इस जयंती पर जो शरीर करके हमारे बीच नहीं है, संजीत भाई का मन था कि वो जो प्रेरणा उनसे मिलती रही है मानव मात्र की सेवा करने के लिए, उस सेवा भाव को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इसको कंटिन्यू रखा जाए, और वो सेवा के भाव से आज ये मदर टेरेसा आश्रम में उसी सेवा भाव के तहत यहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनकी सेवा के भाव से यहाँ पे आज उनके जन्मदिन को वो अनवरत जैसे मनाते आ रहे हैं, उसी हिसाब से आज भी मनाने आए। आज हम ऐसे हिमाचल के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सबको साथ लेके चला है। बचपन से उन्होंने सबको अच्छाइयों से ही अवगत कराया, बुराइयों को त्याग करने का उन्होंने हमें सीख दी। वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी वरिष्ठ पुराने कांग्रेसी हैं, ये सब उन्हीं की उपज है। उन्होंने एक अच्छे लोगों को बाहर लाया और आज हम समाज में प्रतिष्ठित किया। उनका जिस मिशन से वो जुड़े हुए थे, निरंकारी मिशन, निरंकारी मिशन ऑलरेडी अपने आप में एक सेवा भाव का मिशन है, और उस सेवा भाव से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने साथियों को भी सेवा करने का, दीन दुखियों की सेवा करने का, गरीबों की मदद करने का, दुखियों की सहायता करने का, हमें शुरू से ही, मैं करीबन 30 से 32 वर्ष उनके साथ रहा हूँ, उनका एक एक पल, एक एक समय, एक एक यादें मेरे अंदर समाई, और लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं, आज
चारों साइड जिधर देखो उनका ही बात हमारे इस्तेमाल में आता है, कोई भी अच्छे विचार आते हैं कुछ भी याद आते हैं। तो ऐसा शख्स जिसने सबके बारे में अच्छा सोचा हो और सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़ के सोचा हो, ऐसे सत को मेरा सत प्रणाम है। हम सब उनके जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई संजीव चक्रवर्ती जी, उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को लगातार हर साल करते आ रही है। मेरा भी पहली बार इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पूर्ण जगह पर, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आज हमारे यहाँ पे भजन सिंह अलंकारी जी का जन्म दिवस पर, इस अवसर पे यहाँ पे मदर टेरेसा भवन के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा भाव से ये प्रस्तुति यहाँ पे उनका हम लोग मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भजन सिंह निरंकारी जी जो थे वो एक संत थे, इसीलिए हम यहाँ पे हर समय हमारे संजीत भाई, हमारे निरंकारी के परिवार, सभी लोग जो संत एक छाप जो है उसके चक्कर में उसी से लिप्त होकर सारे संत रूपी जो काम होते हैं वो आज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और वो नेता ही नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो इंसान थे जो गरीबों के प्रति, जो अत्याचार के प्रति हमेशा अग्रणी रहकर लोगों का सेवा भाव से काम किए हैं। इस प्रकार के नेता की अब हमें कमी खल रही है इस क्षेत्र में। और बहरहाल आज उनका जन्म दिवस है तो मैं कोटिश नमन उनको करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हम सभी लोग मिलकर उनकी आत्मा को हम इस प्रकार से शांति देते रहें। धन्यवाद। विगत 20 वर्षों से लगातार हमारे जननायक नेता परम श्रद्धे स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी की जयंती पर हर वर्ष उनकी सेवा भाव की प्रेरणा से लेकर हम सेवा दिवस के रूप में यहाँ पे फल वितरण एवं हर सामाजिक गतिविधियों का कार्यक्रम करते हैं। उसी तारतम्य में आज भी उनकी जयंती पर हमने फल वितरण का कार्यक्रम रखा सेवा दिवस के रूप में, उनसे प्रेरणा लेकर। और आगे भी उनकी जो समाज के प्रति, आम लोगों के प्रति जो सेवा भाव थी उनको अनवरत जारी रखने के लिए यह कार्यक्रम करते रहेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी, जो कि एक जन नायक भी हैं, उन्होंने अपने विचारों से भिलाई की धरती को पावन कर दिया है। और उनके विचार आज उनके नहीं रहने पर भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष और व्यक्तित्व को सारा शहर, सारा जिला और सारा प्रदेश आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है। ACN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।